हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे व्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं छोटा स्कूल में जाके, आज हम लोग लास्ट दिन है छोटा स्कूल में, वहाँ पे आज हम पेपर कलेक्शन करेंगे, फिर वहाँ से हम स्कूल जाएंगे। जल्दी खत्म होकर जाएंगे, नहीं तो आज छोटे स्कूल में ही रह के हम लोग मतलब घर वापस आ जाएंगे। लेकिन कल से ना हम लोग बड़ा स्कूल ही जाएंगे। जो जो पेरेंट्स अपना एग्जाम पेपर नहीं दिए होंगे ना, वो फिर उनको कल बड़ा स्कूल में आना पड़ेगा, क्योंकि हम तो रहेंगे नहीं, रिसीव करने वाले नहीं होंगे वहाँ पे। तो क्या मतलब मुश्किल भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है, फिर क्या नोटिस देते हैं मुझे तो मालूम नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मैं जाता हूँ स्कूल। अब पूरा ठीक 8:45 हो चुका है। मुझे वहाँ से फ़ोन आया था कि जल्दी आने के लिए, मैं आया नहीं हूँ। सो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से आने के बाद ही मिलता हूँ। जो भी हाल चाल होगा मैं आपको जरूर बताऊँगा। ओके दोस्तों, बी कंटिन्यू। फ्रेंड्स, मैं तो अभी स्कूल से आ चुका हूँ और यहाँ मेरी रानी फिलहाल थोड़ा बारिश में भीगेगी, क्योंकि बादल पूरे छा गए हैं आसमान में और साइकिल भी थोड़ा धोना है बेचारे को। बहुत दिनों से मैं साइकिल धोया नहीं हूँ और बारिश आ जाएगी तो मतलब मेरा काम और आसान हो जाएगा, क्या बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी खाना खा लेता हूँ। हम लोग का अभी लंच का टाइम हो चुका है और बारिश भी होने वाला लग रहा है। मतलब देख रहे हैं काले काले बादल, आपको दिखाई दे रहा है? देखिए पूरे काले काले बादल हैं आसमान में, मतलब जोरदार बारिश होने वाली है, क्या बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं फटाफट अपना लंच कर लेता हूँ, मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। तो लक्ष्मी की मम्मी फिर चिल्लाएगी मेरे ऊपर में, क्या बोलते हैं। ओके, बी कंटिन्यू। रात को क्यों बच रही है चना को? साफ हो गया तेरा? अब ये सब साफ करेगी अभी? इसमें देखिए कितना छिलका, कितने अलग अलग प्रकार के बीज, पत्थर, लकड़ियाँ, कितनी सारी चीजें हैं। अगर कल ही करूँगी ना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पढ़ाई और कब करेगी? करूँगी। तो ठीक है फिर मैं जाता हूँ, जल्दी खत्म कर। चिन्नू बहुत रो रहा है क्योंकि वो मुझसे थोड़ा मार खाया है। उसको मैं बोला था जब टॉयलेट जाएगा बाथरूम में जाने के लिए, हर दिन जाता था, आज घर में कर दिया है, इसके लिए वो मुझसे मार खा है। देखिए कैसे रो रहा है, ये देखिए कैसे रो रहा है, देखिए खांस खांस के रो रहा है। फिर भी घर में अगर टॉयलेट करेगा तो मार खाएगा, याद रख। तो ठीक है दोस्तों, मैं एक्चुअली अभी लक्ष्मी की मम्मी मुझे ये रात शाम के लिए देखिए मुझे नाश्ता दिए हैं। ये क्या नाश्ता है मालूम है? आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मिक्सर में लक्ष्मी की मम्मी ने मुझे प्याज काट कर दिया है। एक्चुअली कैसे देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं ना इसको, उन्होंने देखिए मुझे कैसे दिया है प्याज। कोई बात नहीं है, क्यों आज देसी स्टाइल में मैं खाने वाला हूँ। कब तक बने करे? 10 बजने आ गए रोटी। 2 मिनट आप यहाँ से वहां जाएंगे। इसको यहाँ क्यों रखी है? इसमें घी नहीं लगाएगी क्या? नहीं, हम बिना घी की रोटी खाएंगे। घी लगा, घी लगाने से ना मैं मोटा हूँ, फिर मोटा कैसे हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, अभी लक्ष्मी को ऑनलाइन क्लास हो रहा है, मालूम है अभी बज गए हैं 10, मतलब रात को, मतलब शायद अभी 10-15 मिनट हुए क्लास स्टार्ट हो गए, ये खत्म होते होते लगता है 11:15 हो जाएगा ऑनलाइन क्लास होते होते। फिर बाद में इसको अपना होमवर्क करना पड़ेगा। आज तो लक्ष्मी की बैंड बजने वाली है, क्योंकि आज मैं नहीं सोऊंगा और उसे अपना वर्क पूरा करवाऊंगा। सो फ्रेंड्स, तो आज का मेरा डिनर यही है, ये जन्नी बोलते हैं ना, जन्नी वेजिटेबल्स, उसे चटनी है और ये रोटी, और ये है
जन्नी और लेमन का पिकल्स है, ये बहुत ही खट्टा रहता है, टेस्टी रहता है। तो ठीक है गाइस, अब मैं खाना चालू कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा विदा लेने का टाइम हो चुका है, क्योंकि मुझे मेरा वीडियो को अपलोडिंग भी करना है। और अपलोडिंग से पहले तो दोस्तों, लक्ष्मी अभी पढ़ाई करेगी, अभी ठीक बजे 11, देखो टाइम कितना बजा है, पूरा 11 बजा है। लक्ष्मी मिनिमम 1 बजे तक पढ़ाई करेगी, मैं उसके साथ ही बैठूंगा, उसके बाद ही जो कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि उसकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, और बाहर भी इतनी बिजलियाँ कड़क रही है ना, मतलब बारिश होने ऊपर चांसेस है, और मान लीजिए फिर बादल इधर उधर हो गए तो मेरा नेटवर्क पूरा बर्बाद और मेरा डेटा भी पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, जो जो मेरे चैनल में नए आए हैं, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं लेता हूँ आपसे विदा, कल ठीक मिलूंगा सुबह 8 बजे। बाय एंड गुड नाइट।